हमारे देश में काफी बार कहा गया है कि इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर को अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ बना देंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी 5 ऐसी प्रॉब्लम्स मैं आपको आज गिनाने वाला हूँ, जिसके चलते ये काफी हद तक लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। तो क्या है वो 5 प्रॉब्लम, आइए जानते इस वीडियो में। अभी आपने तो देखा ही होगा कि अनफॉर्चुनेट डेथ ऑफ साइरस मिस्त्री, फिर उसके बाद काफी मिराकुलसली यहाँ पर एस्केप किया ऋषभ पंत ने आफ्टर फ्रीकिंग रोड एक्सीडेंट, और इसे तमाम सारे इंसिडेंट तो काफी ज्यादा कॉमन होते जा रहे हैं, और इसके पीछे काफी सारे इंपॉर्टेंट रीजंस है। तो उनमें से थोड़े 5 क्रिटिकल रीजंस मैं आपको गिनाने वाला हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर रॉन्ग ट्रक ड्राइवर्स इन रॉन्ग लेन्स। अभी हर एक का यहाँ पर पर्सनल खुद का भी एक्सपीरियंस होगा कि किस तरह से यहाँ पर ट्रक ड्राइवर्स कभी रॉन्ग लेन में चलाने लग जाते हैं तो फिर पूरा लेन ही ब्लॉक कर देते हैं, ऐसी तमाम सारी प्रॉब्लम्स निकल कर आ जाती है। इवन हमारे बेस्ट हाईवे में भी ले लो, जैसे अमृतसर टू न्यू दिल्ली ग्रैंड ट्रक रोड, यहाँ पर भी ट्रक्स रॉन्ग लेन में मेनेंस करते रहते हैं, कभी स्लो मूविंग ट्रक्स इन फास्ट लेन तो कभी फास्ट मूविंग ट्रक्स इन एनी लेन, और ये जो सिचुएशन है बहुत ज्यादा डेंजरस सिचुएशन क्रिएट कर देती है, बिकॉज कार्स बेसिकली ओवरटेक करने का कोशिश करती है फिर इन स्लो ट्रक्स को, जिसके चलते अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। इसके अलावा फ्रीक्वेंटली लेन चेंजिंग, आप देख लो काफी सारे ड्राइवर्स आपको मिल जाएंगे भारत में जिन्हें लेन चेंज करने में ही पूरा मजा आ जाता है। यहाँ पर एक्सपीरियंस ड्राइवर तो सेफली नेविगेट कर लेते हैं, लेकिन उन्हें बच के रहना पड़ता है बिकॉज ऑफ दिस अनसेफ ड्राइवर्स, जो कि सबसे पहले तो ओवर स्पीड करते हैं, लेकिन बार बार लेन चेंज करने की वजह से भी यहाँ पर काफी सारे ब्लैक स्पॉट्स भी आ जाते हैं। सो ये थी फर्स्ट प्रॉब्लम। अब दूसरी प्रॉब्लम को आप देखो तो वो है अंधाधुंध क्रॉसिंग ऑन हाईवेज। यहाँ पर गवर्नमेंट ने ऑलरेडी काफी अच्छे वेल स्ट्रक्चर्स बनाकर रखे हैं, एलिवेटेड स्ट्रेचेस ओवर हाईवेज, ताकि लोग क्रॉस कर पाए, लेकिन नहीं, यहाँ पे जो भी लोकल कार्स है सबसे पहले तो वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, उन्हें यू टर्न लेना नहीं रहता, स्किप करना रहता है, इसके वजह से वो लोग कभी कभार तो रॉन्ग लेन में चलना स्टार्ट कर देते हैं। टू व्हीलर्स के केस में ये काफी ज्यादा कॉमन है और इसके चलते लोगों की लाइफ रिस्क में रह जाती है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर लैक ऑफ बुशेस के चलते भी एक काफी बड़ी प्रॉब्लम है। अभी काफी बार कहा जाता है कि हाई बीम मत इस्तेमाल कीजिए हाईवे पे स्पेशली, और वो भी रात के टाइम पे, लेकिन नहीं, कुछ ड्राइवर्स ऐसे हैं जो तस से मस नहीं होते। अगर कोई भी ड्राइवर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर या उससे ज्यादा ट्रैवल कर रहा है तो ऑफ कोर्स उसको हाई बीम की प्रॉब्लम आती ही है। सो ऐसे समय में बुशेस एक काफी अच्छा बैरियर क्रिएट कर देते हैं टू प्रोटेक्ट दिस हाई बीम फ्रॉम अदर साइड ऑफ द रोड। चौथे पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर है स्ट्रे कैटल्स ऑन एक्सप्रेसवे। रेलवे के केस में भी एक काफी बड़ा इंसिडेंट है, हाईवे में खैर यहाँ पर थोड़ा कम है बिकॉज काफी अच्छा यहाँ पर इनिशिएटिव्स यहाँ पर लिए गए हैं टू कर्व दिस प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी कभी कभार आप देख लो यहाँ पर स्ट्रे कैटल की प्रॉब्लम आ ही जाती है, स्पेशली पंजाब के रीजन में। रिसेंटली आपने देखा होगा, हाल ही में न्यूज निकल कर आई थी कि जलंधर में एक SUV ऑफ रोड हो गई बिकॉज वो एक एनिमल को डॉच करने की कोशिश कर रही थी, और इसके चलते 2 लोगों की यहाँ पर जान चली गई एक्सीडेंट में। पांचवा और सबसे कॉमन रीजन आपने देखा होगा कि एक सिविक सेंस ही नहीं है लोगों में ड्राइव करने का। अभी काफी बार आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द ड्राइवर्स ऐसे हैं जो 2 लेन्स के बीच में ड्राइव करते हैं, हालांकि ये कहाँ का सिविक सेंस हुआ। वहीं आप यूरोप, अमेरिका या कनाडा कहीं पर भी चले जाओ, आप देखोगे कि लेन्स के बीच में ही यहाँ पर सारी गाड़ियां ड्राइव करती है, सारी गाड़ियां आपको ऐसी मिलेगी, लेकिन हमारे यहाँ तो ये ड्राइवर्स के बीच में कॉमन है ही, लेकिन उसके ऊपर मंत्रियों की भी गाड़ी आप देखो कोई लेन्स का पालन नहीं करती है। So, ये भी एक सिविक सेंस लोगों को सिखाना पड़ेगा, और तब जाकर ही असल मायने में हम अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविक सेंस भारत में ला सकते हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है डेफिनेटली कमेंट्स में बताइएगा, और साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।